नमस्कार दोस्तों, हर गम को पाला नहीं जाता, कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता, कुछ करना है तो मेहनत करो, हर बात को ऑलिज वेज कहकर टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 31 दिसंबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आयकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, आज की तिथि है द्वादशी, आज का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, पंच चढ़ा है कृष्ण पंच। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:34 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 12:03 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 9:17 से सुबह 9:59 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है हल्का हरा, फिरोजी और नारंगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि आसपास ही होता है हर समस्या का समाधान, जानिए आज की चाणक्य नीति। भारतीय दार्शनिक आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी आसपास ही होना चाहिए। वैसे ही जैसे ग्रीष्म ऋतु में भीष्म गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी के बचाव के लिए उसी गर्मी में पकने वाले कच्चे आम और अन्य वनस्पतियां भी मिलती हैं जिन्हें गर्मी में पेय के रूप में ग्रहण कर मनुष्य शीतलता का अनुभव कर सकता है। यह विश्व आज जैसा है वैसा कल भी था और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। यह दुनिया अच्छी और बुरी परिस्थितियों का मिश्रण है, व्यक्ति को अपने अथक प्रयासों से परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकता है। व्यक्ति का पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा सक्षम है, बस उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति जब कठिन परिस्थितियों में घिर जाए तो उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए बल्कि वैसे ही परिस्थितियों को आसपास में खोजना चाहिए या यह विचार करना चाहिए कि इन कठिन परिस्थितियों में कोई दूसरा कैसे विजय प्राप्त करेगा। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास ठीक उसी तरह की परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कैसे अपनी समस्या का निवारण करते हैं और कैसे उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रवाहमान नदी के रास्ते में कभी कोई शिला बाधा नहीं बनती, नदी हमेशा उस शिला का समाधान ढूंढ लेती है, वैसे ही आसपास के एक विशिष्ट कठिन परिस्थितियों में बहुत से व्यक्ति अपनी नैतिक प्रतिभा के बल पर उन कठिन परिस्थितियों में भी समाधान निकालकर सफलतापूर्वक जीवन यापन कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ उनका अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन परिस्थिति में गिरकर सफलता व्यक्ति के परामर्श पर अपनी समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों जब आप कोई फैसला लें तो दूसरों की भावनाओं का खास ख्याल रखें। आपका कोई भी गलत निर्णय ना केवल उन पर खराब असर डालेगा बल्कि आपको भी मानसिक तनाव देगा। आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है, आपको आज अच्छा बजट प्लान करने की आवश्यकता है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक मजेदार शाम के लिए आपके दोस्त आपको अपने घर बुलाएंगे। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए समय अच्छा है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो, कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। यह शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक दिन है, आपको प्रेम की गहराई का अनुभव हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आज आपको मिल जाएंगे। असमंजस की स्थिति
तथा अनावश्यक सोच आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकती है, इसलिए आप अनावश्यक सोच में ना पड़ें। आपको अपने दिन की शुरुआत योग और मॉर्निंग वॉक से करनी चाहिए। परिवारजनों एवं संतानों से अनबन हो सकती है। अगर आप किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आज आपकी लोगों साथ ही साथ आपको बताएं आज काफी लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। आज कोई ऐसा साधन मिल सकता है जो अचानक से आपको धन प्रदान करे। छोटे दुकानदारों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य से पूर्व के मतभेद भी दूर होंगे। घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी का वातावरण रहेगा। गृहस्थ जीवन आज खुशियों से भरा रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इनकम बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को भी आज बड़ा फायदा हो सकता है। घरेलू जीवन के लिए यह समय बहुत ही सुंदर रहेगा। दोस्तों आपके छोटे मोटे सभी कार्य सरलता से संपन्न होंगे। किसी प्रभावशाली या उच्च पदस्थायी व्यक्ति से आपकी अच्छी दोस्ती हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह अवधि काफी अनुकूल नजर आ रही है। जीवन साथी आपके प्रति आध्यात्मिक समर्पण व लगाव का भाव दर्शाएंगे। बाहर के खाने पीने या सैर सपाटे के कारण आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र को लेकर आप घर से कुछ दूरी यात्रा तय कर सकते हैं। छात्रों के शिक्षा में अड़चने आ सकती हैं। पढ़ाई में उनका ध्यान कम रहने के संकेत हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कुछ चिरस्थायी प्यार के क्षणों के कारण आपको वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। नए रिश्ते सुखद होंगे। आप परिवारजनों के साथ बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं। आप अपनी वाणी द्वारा हर किसी को मोह लेंगे। आज अपने उत्कृष्टता और विश्वसनीय निर्यात्मक निपुणता के बल पर आप वित्त संबंधी फैसले लेने के लिए उत्तम दिन है। आपकी कड़ी मेहनत का आपको इच्छित और लाभदायक परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताएं विशेष तौर से युवा वर्ग ध्यान रखें कि आज कोई बेहतरीन उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर कोई स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो आज उस पर ध्यान देने के लिए समय अनुकूल है। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से आपको कोई अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव व सहयोग को नजरअंदाज ना करें। साथ ही आपको बताएं व्यापारिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच समझकर तथा मूल्यांकन करने की जरूरत है। यह समय पेमेंट करने के लिए उत्तम दिन है। इस समय अपनी व्यवसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको बताएं पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। घर में सदस्यों के बीच आपसी तालमेल उचित बना रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो दोस्तों आज आपके जीवन यानी आपके प्रेम संबंधों में अचानक नया मोड़ आ सकता है जो आपके चलते समय के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि समय चलते यह परेशानी आपकी ही देन है। क्योंकि आपके प्रेम संबंधों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जो आपसे अवगत है और आपके बारे में जानता है, इसलिए आप अपने प्रेम संबंधों को ज़्यादा उजागर ना करें और आप लोगों को ना बताएं। आपके आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस राशि के कुछ जातक आज कहीं घूमने जा सकते हैं और आपकी मुलाकात किसी अजनबी व्यक्ति से हो जिसके साथ आज का समय खुशनुमा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही सही व उत्तम रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। साथ ही आप अपने आप को काफ़ी तंदुरुस्त व तरोताज़ा महसूस करेंगे। या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा व खास रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएं आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें और रोजाना योग या व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।